Hello students, let's understand this question now. Find the maximum speed at which a car can turn a curve of 30 meter radius on a level road if the coefficient of friction between the tires and the road is 0.4. Okay, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी मैक्सिमम स्पीड से कार टर्न हो सकती है 30 मीटर रेडियस के टर्न पर अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है. तो हम लोग लिख लेते हैं, हमें जो जो चीजें दी गई हैं, हमें दिया गया है जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.4 है टायर और रोड के बीच में, रेडियस ऑफ टर्न जो है वो 30 मीटर है. ओके, एंड हमें क्या पता करना है, हमें क्या निकालना है इसके अंदर, हमें निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी, वो मैक्सिमम वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी से टर्न हो सकता है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशन से. हमारे पास एक फॉर्मूला है इसके लिए, अगर हमें किसी टर्न पर मैक्सिमम स्पीड निकालनी हो, ऐसी रोड पर जिसमें फ्रिक्शन वाली रोड पर हमें निकालनी हो, लेवल रोड पर, ठीक, तो वो होता है म्यू आरच के बराबर. तो वी मैक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, अगर हम वैल्यूज रख दें तो वी मैक्स इज 0.4, आर इज given 30 meter and g is given in the question to be taken as 10. Okay, हमने 10 ले लिया इसको, हमारे पास इसको solve करते हैं तो this will come out to be 120. Okay, इसको हम solve करेंगे तो ये लगभग अगर मैं कहूँ तो 121 के बराबर है. ठीक है, थोड़ा सा मैं उसको approximation ले लिया तो मेरे पास जो आएगा v max that will be 11 meter per second. या रूट 120 भी अगर आप लिख देते हैं आंसर में तो भी वो आंसर सही है. ठीक है, सो व्हाट वी आर हैविंग, वी मैक्स ऑन द रोड या ऑन द टर्न वी कैन राइट ऑफ 30 मीटर व्हेन म्यू इज 0.4 इज अप्रोक्सीमेटली 11 मीटर पर second. This is our answer. So this was the solution for this question. Thank you.